हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए लर्षा पेशावर सॉन्ग का रिएक्शन। एंड ये जो है ये सॉन्ग अली जफर का ही गाया हुआ है। एंड साथ में मेनली चीज ये भी है कि लाइक अली जफर जो है वो बहुत कमाल के गाते हैं। एंड साथ में उनका हमने अभी अले सॉन्ग भी सुना था, वो भी बहुत ही शानदार था। एंड वो एक सिंधी सॉन्ग था। सो अब जो है हम जो सुन रहे वो एक पश्तो सॉन्ग है, वो एक पेशावर का सॉन्ग है। सो वो कैसा होता है और यहाँ पे अलग अलग कल्चर के पाकिस्तानी सॉन्ग जो है वो बहुत कमाल की वाइब वाले, तो ये भी सुनते हैं। और सही बात बताओ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि लाइक मोस्टली ऐसा होता था कि टाइटल से मुझे चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हम लोग जब से इतना रिएक्ट करने लग गए, कम से कम 6-7 महीनों से हम इतना पाकिस्तान के बारे में जानने लग गए कि लिटरली टाइटल देखकर ही पता लग गया था कि ऑब्वियसली ये पेशावर से ही रिलेटेड गाना होने वाला है। और हम लोगों ने पेशावर के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा देख लिया है, हम लोगों ने उसके व्लॉग्स देख रखे है, उसका खाना देख रखा है पेशावर का। और लिटरली पेशावर है भी बहुत सुंदर जगह, और आई होप हम फ्यूचर में कभी पेशावर विजिट कर सके। और सही बोलूं, मेरा तो पर्सनली फेवरेट है पेशावर। और आज हम इससे गाना सुनने वाले हैं। अली जफर ने ये गाना गाया, और अली जफर के हमने इतने गाने सुन लिए हैं कि दो, वैसे ज्यादा नहीं, 2-3 गाने सुने हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो उनके उनकी आवाज में एक जादू सा, और दूसरा ना वो ऐसे कहते हैं ना, वो नॉटी से है, तो वो दिख जाता है, वो उनके गानों में दिख जाता है। और जिस हिसाब से वो गानों को इंजॉय करते हैं, वो भी मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई जो देख लेते कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो अल्ले ही देख रहा है। वाह, सारा दिन गाना सुनता रहता है। पसंद रसूख हुए दादाजी? दादा सुन पे जने दाखो अली जफर दे। हाँ होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान। वाह, और उन्होंने फिर गा ही दिया उनकी जुबान। लर्षा पेशावर, वाह यार, अलग हैंडसम लग रहे है ना। क्या इंट्रो किया नी? खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा। ब्रिंग अ ब्लैक शर्ट विद यू, ओके? लड़श पे खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माल रोड़ा। पेशावर की ब्लैक शर्ट और फ्लावर शर्ट पसंद है जाने। ये सारी लैंग्वेजेस सीखी है क्या अली जफर ने? तो बहुत कमाल की बात है। कदम की दीवा जवड़ गुलुना, हल्क गुदर के ताजा की जड़ गुलुना, कमिस्तोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माल रोड़ा। लक्ष्य पे खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा, राशा राशा पे खबर तक हर कली वायु ताता है मुंगा पूरी ताता खली। सुर साल के मक्का वना सुना कम स्टोर आउटडोर आउटडोर माले रौड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर। ये अलग वाइब पे आ गया सब। ताजा ताजा गुलुना द्रे सलोर माल रौड़ा,
यार अब तो जाना है पेशावर ब्लैक शर्ट लेने और फ्लावर्स लेने। हैप्पी सॉन्ग है। बहुत ही अच्छा गाना था और सही में मुझे इसकी सबसे अच्छे गाने की ये चीज लगी कि इसकी इंट्रोडक्शन और एंडिंग पार्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि जो इन्होंने इंट्रो करी कि लाइक अगर वो हमारी लैंग्वेज में गा ले, उन्होंने जब सिंधी वाला दिखाया था कि देखो इसने सिंधी गाना गा रखा जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था तो ये गा रखा है, तो उन्होंने बोला कि मैं तब मानूंगा जब ये हमारे पेशावरी लैंग्वेज में गाएगा मैं तब मानूंगा, और उन्होंने वो गाना गाया ओके, और उनकी ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने वो उनको वो लैंग्वेज आती नहीं है या फिर कुछ ऐसा, आई थिंक उन्होंने वो गाना या तो याद कर रखा है लिरिक्स या तो याद कर रखे या फिर उन्होंने लैंग्वेज समझ रखी या फिर वो लैंग्वेज समझ रखी है, भगवान जाने क्या है। अगर तुम लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाना लगा, और गाने में बेसिकली यही था कि मतलब ऐसे अब जब भी तुम पेशावर आओ तो अपने साथ ये ब्लैक शर्ट लाना और फ्लावर्स लाना दो तीन मेरे लिए, और बेसिकली पूरे गाने में यही था। और सबसे अच्छा मुझे गाने की बात ये लगी कि बेसिकली चाहे पेशावर हो चाहे सिंधी कल्चर हो, भले पुराना कल्चर है तो इसमें बेसिकली ये नहीं था कि गाने में भी बिल्कुल वो पुरानापन बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा था, बहुत ही मॉडर्न गाना है जिसमें वो इन्होंने टच दे रखा था। रैप को भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सीरियसली जो सिंधी वाला सॉन्ग था उसमें जब रैप आया तो उसमें जान आ गई थी उस गाने में, और सेम इसमें भी यही हुआ कि जब रैप आया तो बहुत ही ज़्यादा जान आ गई, और सीरियसली मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और एक तो उनका ना मतलब जो बेसिकली ड्रेस थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी कि सिंपली ऐसा था शायद वहां के लोग यही ड्रेस पहनते हैं, कि देखा तुम लोगों ने नोटिस किया कि जैसे उन्होंने बोला था कि ब्लैक शर्ट और सेम उनका कुर्ता भी ब्लैक था और उस पर फ्लावर भी बन रखे थे, तो शायद वहां पे सारे लोग ऐसे ही पहनते और सेम जो फीमेल थी उनके कपड़े भी वैसे थे, फूल वगैरह बने थे। बाकी वीडियो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और आई होप हम लोग इनके अगर इन्होंने और गाने गा रखे ऐसे दूसरे दूसरे कल्चर को लेकर वो हम सुन पाए। और ब्लैक तो मैंने जरूर देखा, पर मैंने उनको ब्लैक शर्ट मैंने देखा, वो पठानी ड्रेस होती है वो लंबे कुर्ते होते हैं वैसे पहनते हैं, शायद उसी को रेफरेंस कर रहे थे कि यार प्रॉपर शर्ट वाला ही रेफरेंस था, तो वो जरूर बताएगा। बाकी यार ये बहुत सही था, ये कि वो दोनों सॉन्ग जो है अलेवे हो गया और ये सॉन्ग, इन दोनों सॉन्ग्स के अंदर लाइक जहाँ पे अली सफर ने गाने गाए हैं वो जो चीज़ है उन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा लिरिक्स नहीं है, पर वो है कैची लिरिक्स है, उनको रिपीटेडली एक हैप्पी वे में गाया गया और एन्जॉय किया गया। और जब भी रैप आता है ना, रैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही हुआ कि आप आओ हम बहुत हॉस्पिटेबल पर्सन है, हम एक उन्होंने किसी नाम लिया है वो गनी खान शायद किसी का, तो उनका मतलब उनके साथ हम मतलब उनकी पुश्तों के लोग हैं तो हम लोग किस तरीके से चैरिटेबल हैं, आप आओ एंजॉय करो। और वो तो हमने कितनी सारी अनगिनत वीडियोस देखी हुई है कि लाइक किस तरीके से वहाँ पे पेशावर में कोई आता है तो उसकी किस तरीके से फैसिलिटेशन की जाती है, और फॉरेनर की तो खास कर। एंड लाइक मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे एक बंदा जो था कि वो हिडन कैमरा लेके गया था, और उसका ये था कि चलो मैं देखता हूँ कि ऑन कैमरा तो सब करते हैं हिडन कैमरा में कैसा है, तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि आप फॉरेनर हो तो उन्होंने वही किया कि नहीं भाई हम पैसा नहीं लेंगे, तो वैसे ही वो उस तरीके से हो गए थे। तो लाइक उनका ये नहीं है कि कैमरे के सामने, बिना कैमरे के भी वो इतने वेलकमिंग है। एंड बाकी बहुत कमाल की वीडियो थी, लाइक ग्रीनरी दिखाई गई किस तरीके से वहाँ का जगह है वो बताया गया, और स्टार्टिंग में बताया गया कि लाइक अली जफर हमारे लिए भी एक गाना बनाए, अब ऐसे ही शायद और भी कल्चर्स के सॉन्ग बनाए अली जफर, तो वो भी चीज़ देखने लायक होगी। तो आप लोगों को कैसे लगा आपको जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।